नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पेट 2022 को ध्यान में रखते हुए डेटा इंटरप्रिटेशन से एक टॉपिक लेकर आए हैं टेबल, जिससे कि कुल 10-10 करके डेटा इंटरप्रिटेशन से 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें अगर इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके उसमें से सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कई प्रकार का मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, जिससे आप सभी प्रकार के प्रश्नों को समझ जाएं और एग्जाम में सिर्फ देखकर कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, क्या क्या ट्रिक्स हैं, उससे आप बहुत ही तेज क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। और मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन का, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे बार ग्राफ हो, चाहे लाइन ग्राफ हो, चाहे टेबल्स हो, सभी मैंने वीडियो बनाकर आपको ट्रिक्स बताया और कैसे एग्जाम्स में उनको सॉल्व करना है। तो ऐसे ही सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नांकित तालिका में विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न बैंक वर्षों में ऋण का वितरण दिया हुआ है। यह एक टेबल है जिसमें कई प्रकार के बैंक हैं, कई बैंक हैं, PQRS 3 बैंक हैं, और हर साल कितना कितना वो ऋण दिए हुए, ऋण का वितरण दिया हुआ है। अब इस तालिका का अध्ययन करके निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस तालिका का अध्ययन करके हमको सभी प्रश्नों के क्या करना है, उत्तर देने हैं। चलो ठीक है, अब इसका इंस्ट्रक्शंस का काम हो गया हमारा खत्म, थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर करते हैं। अब तालिका और क्वेश्चन पे ही हम लोग सिर्फ ध्यान देंगे। अब ठीक है, पी ने 1997 में 31 ऋण दिए थे, 1998 में 28 ऋण दिए थे, यानी 1999 में कुल 32 ऋण पास किए थे, 2000 में 25 ऋण और 2001 में 19 ऋण पास किए थे। ठीक, अब देखो पहला है, ऐसे ही सभी का दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, बैंक आर द्वारा वर्ष 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में लगभग कितने प्रतिशत की कमी की गई। बैंक आर की बात की जा रही है, आर द्वारा 2000 में, सन 2000 में देखो, आर और 2000 ये है, आर और 2000, बैंक आर द्वारा सन 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष ये है यानी 1999, पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में कितने प्रतिशत की कमी की गई। अच्छा देखो, यह 28 ऋण पिछले साल दिया था और इस साल दिया है मात्र 23 ऋण, कितना ऋण कम दिया है, 5 ऋण कम दिया है। 28 लोगों को दिया था, इसमें 23 लोगों को ही दिया था, 5 ऋण, 5 लोगों को ऋण कम दिया है, और वो कमी कहां से हुई है, 28 से। तो कितने प्रतिशत, 28 का 5 कितने प्रतिशत है, वही तो पूछा है। तो 5/28 × 100% निकाल देंगे तो कितनी कमी हुई है हमको पता चल जाएगी। ठीक है, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 14, या फिर 28 से भाग दे दो 500 में, ये थोड़ा सा आसान रहेगा। ऐसे प्रश्नों को हम लोग भाग देकर ही काम चला लेते हैं। ये हो गया 28, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, नहीं होगा, ये हो जाएगा 2, 220। अब ये लगभग 1 हो गया और ये 8 के आसपास जाएगा, 8 × 8 = 64। ऑप्शन से भी हम लोग क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकते हैं, 8 × 8 = 64 और 8 × 16 = 16 × 6 = 22, ये हो गया 228, यानी कि लगभग 17 कुछ आएगा, थोड़ा सा ही अधिक आ रहा है, ये 17 कुछ यानी कि लगभग 18% के आसपास इसका उत्तर आएगा। तो 18% के आसपास इसका उत्तर आएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला है, 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक ने ऋण वितरण सर्वाधिक किया, किस बैंक ने सबसे अधिक ऋण वितरण किया है, किस बैंक ने सबसे ज्यादा ऋण दिया है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, जल्दी जल्दी हम लोग जोड़ लें, 31 और 28 और 32 और इन सबको जोड़ लो, कितना हो गया, 1 और 8, 8 × 1 = 9, 10 × 11, 11 × 5 = 16 और 16 × 9 = 25 हासिल, 2, 3 × 2 = 5, 5 × 3 = 8, 8 × 2 = 10, 2 = 12, 2 = 14, 145 हो गया हमारा, पहला हो गया 145, दूसरा हो गया 5, 0, 5, 5, 9, 14, 14, 7, 21, 21 को 1 हासिल 2, और 3, 3, 6, 6, 2, 8, 1, 9, 10, 11 और 1, 12, 13, 131 हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया 145, ये हो गया 131। अब 8, 7, 15, 15, 8, 23, 23, 3, 26 और 26, 5,
31 को 1 हासिल, 3 और 2 एक 3, 2 5, 2 7, 2 9, 10, 11, 12, 121 और ये हो जाएगा 5 3 8, 8 4 12, 12 7 19, 19 को 9 हासिल 1 और 2 3 5, 3 8, 2 10, 3 13, 1 14, 149। अब पूछ रहा है 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक ने, ऋण वितरण सर्वाधिक किया, औसत निकालना है। अब देखो 145 बटे औसत कैसे निकालते हैं, कुल को जोड़कर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 से भाग दो, 145 बटे 5, 131 बटे 5, 121 बटे 5 और 149 बटे 5, ये तो सबका औसत निकल गया। अब इसमें बताओ इन भिन्नों में सबसे बड़ा कौन है, 149 बटे 5, इसी का भाग दोगे तो सबसे ज़्यादा आएगा क्योंकि ऊपर सबसे बड़ा है, तो ये लास्ट वाले का यानी एस ने सबसे अधिक ऋण वितरण किया है। हमको पूरा औसत निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ट्रिक्स से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। वर्ष 2000 की तुलना में 2001 में सभी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण वितरण में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। अब 2000 और 2001 की बात करें, सभी बैंक मिलकर 2000 में कितना ऋण दिए और 2001 में कितना ऋण दिए, यही पूछा कि 2001 में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, इन सबको हम जोड़ेंगे और कितना बढ़ा है उसका प्रतिशत निकालेंगे। जोड़ दो 7 5 12, 12 और 3 15 और 15 7 22 को 2 हासिल, 2 और 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, ये 92 ऋण हो गया 2000 में सभी बैंकों ने मिलकर दिया, और इसमें दिए 9 5 14 को 4 हासिल 1 और 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9 1 10, 104। ठीक है, तो देखो सभी बैंकों ने मिलकर 2000 में 92 लोगों को ऋण दिया था और 2001 में 104 लोगों को दिया था, कितना बढ़ोतरी हुआ, 8 4 12, 12 की बढ़ोतरी हुई, 12 की बढ़ोतरी हुई, और यही 12 कितने प्रतिशत बढ़ा, 92 का कितने प्रतिशत है, 92 से को कितने प्रतिशत हम लोग बढ़ाए तो 104 हुआ, यही तो प्रतिशत में इसको निकाल दो। ठीक है, इसको काट सकते हैं हम लोग, इसको 6 कर दो और इसको कर दो 46, इसको 3 कर दो, इसको कर दो 23, 300 में अगर हम 23 से भाग देंगे तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा, इस 3 से 100 में गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, एक कम 23 7 0 3 बार जाएगा, 3 3 के 9, 3 2 6 13.04 के आसपास, 13.04 के आसपास हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, 13.04 के। अगला है किन किन बैंकों ने औसतन लगभग समान ऋण वितरण किया, अब किन किन बैंकों ने औसतन लगभग समान ऋण वितरण किया। ठीक है, अब देखो लगभग समान ऋण वितरण किया औसतन, अब देखो ये 145 बटे 5 है और ये 149 बटे 5 है, इन दोनों में लगभग ज्यादा अंतर नहीं है, ये औसत को 145 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 4 5 नवा 45, ये 29 इसका औसत आया और इसका आ जाएगा 29 दशमलव कुछ आएगा, 5 नवा 45 29.8, यानी कि पी और एस ने लगभग समान ऋण वितरण किया है। ठीक है, ये दोनों पास पास में है तो यही दोनों आंसर आ जाएंगे। 1998 में 1997 की तुलना में कितना अधिक ऋण वितरण हुआ, अब 1998 में 97 की तुलना कितना अधिक, इसमें इससे कितना अधिक, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5 1 6 8 6 14 और 14 5 19 को 9 हासिल 1, हासिल हो गया हमारा 1 और 3 3 6 6 1 7 7 2 9 1 10 109, और 1998 में 1997 की तुलना में 97 98 दोनों का हमको पता करना ही पड़ेगा, 8 7 15 और 15 3 18 को 8 हासिल 1 और 2 3 5, 5 2 7
7 × 3 = 10 = 11 यानी कि 118 1998 में हुआ है और 1997 में हुआ है 109 ऋण वितरण, करोड़ में दिया हुआ है। ये सारे ऋण वितरण करोड़ में दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग घटा देंगे तो ये लगभग 9 करोड़ के आसपास आ जाएगा। 9 करोड़ के आसपास ये ऋण वितरण हो गया। इसमें जितने ऋण वितरण थे ये करोड़ में दिए हुए थे, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो गया। 31 लोगों को नहीं, 31 करोड़ ऋण वितरण किया है, ठीक है। ऐसे ही इन प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न सारिणी का अध्ययन कीजिए जिसमें 6 परीक्षाएं ए बी सी डी ई तथा एफ के एक शैक्षणिक वर्ष में 6 परीक्षार्थियों में प्राप्तांकों को दर्शाया गया है, ठीक है। 6 परीक्षार्थी ने प्राप्तांक दर्शाए, तदनुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब देखो इन सभी प्रश्नों के 6 परीक्षार्थी हैं, एक 6 लड़के हैं और पहले परीक्षा में 60 नंबर पाया है ए की बात करें तो, दूसरे में 64 नंबर पाया है, तीसरे में 62 नंबर, चौथे में 66, ऐसे ही सभी का बारी बारी से दिया हुआ है और यहाँ पर टोटल नंबर कितना पाया है ये दिया हुआ, ठीक है। अब पहला प्रश्न है कि परीक्षार्थी बी तथा एफ को मिलाकर प्राप्त किए गए अंक उनकी किस परीक्षा में न्यूनतम थे, यानी कि बी तथा एफ को मिलाकर प्राप्त किए गए अंक, ठीक है, बी और एफ को हमको क्या करना है, जोड़ना है, उनकी किस कक्षा में न्यूनतम थे। इन दोनों को जोड़कर बी को और एफ को क्या करना है, जोड़ना है, किस परीक्षा में इन्होंने सबसे कम पाए हैं दोनों का मिलाकर, यही पूछ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया, सभी का अलग अलग हमको जोड़ना पड़ेगा, ये हो गया 2 और ये हो गया 6 × 6 = 12 = 13, 132 हो गया, इसमें हो गया 5 × 6 = 6 = 12, 125 हो गया, इसमें क्या हो गया 8 × 8 = 16 × 6 = 6 = 12 = 13, 136 हो गया, ये हो गया 118 हो गया, ये हो गया 7 × 5 = 10 = 11 हो गया और 8 × 5 = 13 हो गया, 6 × 6 = 12 = 13 हो गया, ठीक। किसमें न्यूनतम है, किस परीक्षा में न्यूनतम है, थोड़ा सा इस पर हम लोग ध्यान देंगे। अभी बताओ किसमें सबसे कम दिख रहा है, 132 125 136 118 117 यानी कि परीक्षा 5 में किसमें सबसे कम दिख रहा है, परीक्षा 5 में 117 है, तो हमारा परीक्षा 5 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा परीक्षार्थी है जिसने पूरे शैक्षणिक वर्ष में क्रमिक सुधार किया है, वह कौन सा स्टूडेंट है जो हर परीक्षा में आगे की तरफ ही गया है, कभी पीछे की तरफ नहीं गया है। चलो पहले से शुरू करते हैं, 60 से 64 बढ़ा फिर घटा, बढ़ा घटा बढ़ा घटा, चलो ए नहीं है, बी 70 से 62 हो गया, ये भी घट गया, सिर्फ सुधार किया है यानी कि बढ़ा है, 66 से 63 हुआ घट गया, ये भी नहीं, डी 59 से 60, 60 से 62, 62 63, 65 67, यानी कि डी को देखोगे तो ये हमेशा क्या हुआ है, बढ़ा है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा डी, ठीक है। वह कौन सा परीक्षार्थी है जिसने परीक्षा एक की तुलना में, वह कौन सा परीक्षार्थी है जिसने परीक्षा एक की तुलना में, इस वाली परीक्षा की तुलना में, परीक्षा 6 में अधिकतम सुधार का प्रतिशत दर्शाया है, ठीक है। अब देखो सभी का प्रतिशत हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उसका ही प्रतिशत निकालना है जिसके अंक बढ़े हैं घटे हैं, उसका नहीं निकालना है। अब देखो ये 60 से 68 हुआ, इसने 8 अंकों की वृद्धि की है, 60 से कितने प्रतिशत हो गया, 60, 8 जो है 60 का कितने प्रतिशत है, ठीक है, ये ए हो गया, बी ये 66 से ये हुआ 74, देखो ये 70 से ये घट गया है, इसको नहीं देखेंगे, सी का देखो ये 66 से 74 पर आया है, यानी कि कितने का अंतर हुआ है, 8 कहां से, 66 से 100%, 66 से इसने 8 का किया है, ठीक है। अब तीसरा जो है ये 59 से 67 पर आया है, यानी कि कितने का, कितना सुधार किया है, 8 का, 8 का कहां से, 59 से, इतने प्रतिशत का, ये 56 से 64 आया है, यानी कि 8/56। और अगला है 62 से 65 पर आया है, यानी कि 3/62
100%। अब देखो एक चीज दिख रही होगी, ये तो सबसे कम है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, उत्तर हो ही नहीं सकता, ये बहुत ही कम है। ठीक, अब देखो ये 56 पर, ये सभी के अंश में क्या है, 8 है, और नीचे अलग अलग है, तो ऐसे में हम जानते हैं कि अगर जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, अगर इसकी 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 बात करें तो सबसे बड़ी भिन्न हम जानते हैं कि अगर अंश बराबर है और हर जो है अलग अलग है, तो जिसका हर जितना बड़ा होता है वह भिन्न उतनी ही छोटी होती है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, हमको पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमको टाइम लग जाएगा। यहाँ भिन्न वाला सवाल देखो, ये 56 है, भाग दोगे जितना बड़ा रहेगा भाग दोगे तो उतनी छोटी संख्या आती है, जितना छोटा रहेगा भाग दोगे तो किसी संख्या में तो उतनी बड़ी संख्या आती है। 56, 59, 66, 60 इसमें सबसे छोटा है ये वाला 8, 56, यानी कि हमारा ई में जो है 8 का अंतर आया है 56 से 8, और इसने सबसे अधिक प्रतिशत सुधार आएगा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे भी जब भिन्न में हम जानते हैं कि अगर 8/15 है, 8/18 है, 8/12, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे ज्यादा गुणे 100% करेंगे तो सबसे ज्यादा यही आएगा। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि 8 में अगर हम 15 से भाग देंगे तो छोटा आएगा, 12 से भाग देंगे तो ज्यादा आएगा। तो अगर सभी के अंश बराबर हैं और हर सबके अलग अलग हैं तो जो सबसे छोटा हर होता है वह सबसे बड़ी भिन्न होती है, और जो बड़ा हर होता है वह छोटी भिन्न होती है। तो इससे हम जब इसमें होगा, इसी में तो 100 का गुणा किए हैं, तो इससे हम पता कर सकते हैं बिना सॉल्व किए कि ई जो है हमारा क्या है, वह सबसे ज्यादा अधिकतम सुधार पर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह परीक्षा कौन सी है जिसमें सभी परीक्षार्थियों ने अपनी पिछली परीक्षा की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया है, किस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों ने पिछले से बेहतर किया है, ठीक है, मतलब देखना है कि दो में क्या सभी ने इससे एक से अच्छा किया है, इसने अच्छा किया है, इसने नहीं अच्छा किया, इसमें नहीं देखेंगे। 64 से 62 ये घट गया, इसमें भी नहीं, देखो 62 से 66, 68 से 60 ये घट गया, नहीं 66 से 63 ये भी नहीं, 63 से 68, 58 से 68 ये भी बढ़ा 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 बढ़ा। यानी परीक्षा 6 में वह कौन सी परीक्षा जिसमें सभी परीक्षा पिछली परीक्षा से बेहतर किया है, तो परीक्षा 6 में सभी विद्यार्थियों ने पिछली परीक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टेबल को हम लोग बहुत ही गंभीरता से नहीं लेना है, बहुत ही आराम से हम लोग सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। दिए गए प्रश्न निम्न तालिका पर आधारित है, तालिका को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर दिए हुए राज्य, ये अलग अलग राज्य हैं, और कौन सा राज्य कितना चावल उत्पन्न कर रहा है। पी राज्य 45 चावल उत्पन्न कर रहा है, 45 चावल तो उत्पन्न नहीं कर सकता, 45 ये हो सकता है टन में दिया है, किस में दिया है, टन में। पी राज्य में 45 टन चावल उत्पन्न हुआ, ठीक है, एक साल में, ठीक है, ठीक है, और 103 टन गेहूं, 27 टन दाल और 29 टन में अन्य फसल को उसने क्या किया है, उगाया है, टन को गायब कर दो, जैसे हमने पिछले सवाल में करोड़ को गायब किया था ऐसे ही गायब कर दो। पी ने 45 चावल उगाया, 103 चावल, ऐसे भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्यू ने 48, आर ने, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, यदि देश भर में चावल की औसत प्रति हेक्टेयर उपज 30 टन थी, ठीक है, ये सभी टन में ही दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 30 टन, ठीक, तो इस वर्ष चावल की खेती में प्रयोग किया गया क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में था कितना। अब मान लो एक हेक्टेयर में 30 टन, तो कुल कितने हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर, अब मान लो अगर से 60 टन रहता तो 60 में हम 30 से भाग देते तो 2 हेक्टेयर, अगर 90 टन रहता तो 30 से भाग दे देंगे तो 3 हेक्टेयर की जरूरत पड़ेगी। तो इन सभी को जोड़ लो, देश भर में चावल की औसत इतनी है, मतलब प्रति हेक्टेयर में 30 टन ही पैदा हो सकता है, तो ये कुल कितने टन है इसको जोड़ लो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 से भाग दे देंगे इससे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने खेत की जरूरत पड़ेगी,
ठीक है, कितने क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, इन सभी को क्या करेंगे हम लोग, पहले तो जोड़ लो कि चावल कुल कितना सभी राज्यों ने मिलकर पैदा किया, 5, 8, 13, 13, 9, 22, 22, 23, 23, 7, 30, 8, 38, 38, 7, 45, 45, 8, 53, 5, और 4, 4, 8, 8, 5, 13, 13, 4, 17, 17, 3, 20, 6, 26, 5, 31, 3, 34, 5, 39, इतने टन 30 टन में एक हेक्टेयर, 30 टन में एक हेक्टेयर लग रहा है की जरूरत पड़ेगी, तो एक टन में कितने हेक्टेयर की जरूरत पड़ेगी, तो 1/30 हेक्टेयर, तो इतने टन के लिए कितने खेत की जरूरत पड़ेगी, 393 टन के लिए 1/30 × 393, ठीक है, इतने हेक्टेयर की जरूरत पड़ेगी, तो 393/30 यानी कि 393 में अगर हम 30 से भाग दे देंगे 393, तो ये हो जाएगा 30 एकम 30, 9, 3, 30 तिहाई 90, 3.01, 13.1 लाख हेक्टेयर, ठीक है, लाख हेक्टेयर में 13.1 यानी कि लगभग 13 लाख हेक्टेयर 13 क्षेत्रफल की जरूरत हमको पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पी राज्य, राज्य पी में उत्पादित गेहूं की मात्रा, पी में जो गेहूं उत्पादन हो रहा है यानी कि ये पूरे देश में उत्पादित गेहूं की मात्रा के कितने प्रतिशत है। अब पूरे देश में कितना गेहूं उत्पादन हो, पूरे देश में देख लो, पूरे देश का जोड़ दो, अच्छा उसमें पूरे देश में हमारा पी भी आता है, तो पहले पूरे देश का निकालेंगे पी को लेकर, और फिर 103 उसका कितने प्रतिशत है वही हम निकाल देंगे, ठीक है। तो 8, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 11, 7, 18, 18, 2, 20, 5, 25, 25, 8, 33 और 33, 8, 41 को 1, हासिल 4 और 0, 8, 8, 3, 11, 12, 13, 14, 2, 16, 17, 17, 18, 19 और 19, 4, 23 को 3, हासिल 2 और 2, 1, 3, 331 टन। अब इस 331 टन जो है, 331 गेहूं, 331 ही मानो, 331 कुल हो गया, कुल कितना सिर्फ पी अकेले कितना कर रहा है 103, और यही कितने प्रतिशत हो जाएगा हम लोग निकाल लेंगे, तो लगभग 10300 में 331 से अगर हम भाग दे दें तो ये लगभग हो जाएगा, 3 से अगर हम भाग दें तो ये हो जाएगा 3 × 3, 3 × 3, 3 × 9, 3 × 9, ये हो गया 7, ये हो गया 12, 3, 0, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 1, 3, 3, 1, ये लगभग 30% के बराबर आ जाएगा, 31% के बराबर आएगा, 31% जो कि यहाँ पर ऑप्शन में 30% दिया हुआ है, तो हम 30% मारकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो 30% इसका उत्तर हो जाएगा, लगभग पूछा है ना, 31% 30%, ज़्यादा अंतर नहीं। ज्वार जिन राज्यों में सबसे महत्व का खाद्यान्न था वे हैं, किन राज्यों में जो ज्वार है वह सबसे महत्व का खाद्यान्न रखता है, किन राज्यों में सबसे ज़्यादा पैदा होती है, देखो इनमें ये तीनों बहुत ज़्यादा, ज्वार देखो इसमें क्यू में 73 टन, आर में 67 टन और एस में 59 टन का पैदा होता है, यानी सबसे ज़्यादा ज्वार यहाँ पर पैदा होता है, तो कौन कौन से हैं, क्यू आर एस, ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया, बाकी में कम पैदा होते हैं। देश में उत्पादित चावल और गेहूं की मात्राओं में क्या अनुपात था, चावल और गेहूं की मात्रा में क्या क्या अनुपात था, ठीक है, यानी कि ये तो जोड़ने पर 331 आया था, और ये जोड़ने पर क्या आया था, ये जोड़ने पर शायद 393। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है, चावल और गेहूं की मात्राओं का अनुपात कैसे निकालेंगे, 393/331 काट दो, ये एक बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, भाग दे दो
331, 393। ये ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है ना कि हमको ये 1.1:1 होगा नहीं, 2:1 होगा नहीं, 0.8, ये ऊपर वाला कम रहेगा तब, नीचे वाला ज़्यादा रहेगा तब, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, भाग देंगे तो हमारा 1.1 आएगा। ठीक है, किस राज्य में खाद्यान्न सबसे अधिक है, किस राज्य में खाद्यान्न सबसे अधिक है। अब इन सभी खाद्यान्नों को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, किन राज्य में खाद्यान्न सबसे अधिक है। तो अब देख लो, इसको जोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक, अब देखो सबसे अधिक के लिए ये तो कम दिख रहा है तो इसको जोड़ो ही, ये भी कम दिख रहा है इनको मत जोड़ो। ठीक, जो कम कम दिख रहे हैं उनको मत जोड़ो, जो ज्यादा ज्यादा दिख रहे हैं उनको जोड़ दो। 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15, 9, 24 को 4 हासिल, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 को 0 हासिल, 1 और 1, 1, 2, 204 हो गया। ठीक है, इसमें 204 टन हो गया ए में, इसमें 8, 6, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 9, 26, 26, 5, 31 को 1 हासिल, 3 और 4, 8, 4, 12, 12, 7, 19, 21, 21, 21, 3, 24, 241 हो गया। अगले में देख लो, अगले में हो गया 5, 2, 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 4, 22, 1, 23 को 3 हासिल, 2 और 5, 3, 8, 8, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 203 हो गए। सबसे ज्यादा पता करना है हमको। ठीक, अगला है ये, अगर 4, 8, 4, 3, 4, 4, 5, 20, ठीक है, ये भी नहीं हो जाएगा, इसको भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कम ही आएगा, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 4, 14, ये भी कम ही आएगा। अब हमको दो और जोड़ना है, 7, 1, 8, 8, 9, 17, 17, 1, 18, 5, 23 को 3 हासिल, 2 और 4, 3, 7, 5, 12, 12, 2, 14, 1, 15, 16, 17, 173 आ गया। और हम देख रहे हैं कि इसमें इससे कम ही है सब में, तो इस ये इससे कम ही आएगा, तो हम इसमें देखो कि सबसे ज्यादा किस राज्य में खाद्यान्न सबसे अधिक है। सबसे अधिक हमारा है क्यू, सबसे अधिक हमारा किस में है, क्यू में खाद्यान्न सबसे अधिक है। तो सभी को जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, कुछ हम वहां पर कॉमन सेंस भी लगाते हैं और उससे भी हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। तो यहां पर आप लगातार ट्रिक्स पढ़ रहे हैं और इससे आप क्वेश्चंस को एग्जाम में बहुत ही तेज लगा पाएंगे। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और दिया हुआ है कि दी गई तालिका में एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया हुआ है, इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह एक साधारण प्रश्न नहीं है, यह एक बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है। देखो ये सारी चीजें ये प्रतिशत में दी हुई है, ये प्रतिशत में, ये 68% है, ए जो है अंग्रेजी में 100 में 68% पाया है, बी 88% पाया है, ये सारी चीजें प्रतिशत में दी हुई। अब देखो क्या करेंगे, सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, सभी विषय को जोड़ना है, कितने कुल अंकों को प्राप्त पूर्णांकों को जोड़ना है और कुल प्रतिशत निकालना है। अब देखो ये 100% है ना, तो ये 100 में 68 पाया है तो 68% हो गया, 68% है और ये 68 नंबर के बराबर हो जाएगा, ये सभी ये 68 नंबर हो गया, ये 88 नंबर हो गया, ये इतने नंबर हो जाएंगे। 150 का 82%, ठीक, यानी कि अगर 82 × 150/100 कर सकते हैं और इससे हम काट कर इसको 82 × 1.5, यानी कि इसमें अगर हम 1.5 का गुणा कर दें तो हमको नंबर प्राप्त पता चल जाएगा, इसका 1.5 गुना कर देंगे तो हमको नंबर पता चल जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस को। अच्छा अगला ले लो, 60 में 80% पाया, 60 नंबर का 80%
यानी कि अगर 80 को इधर ले लिया जाए तो 60 बटे 100 कर सकते हैं, यानी कि 80 में अगर हम 0.6 का गुणा कर दें तो हमको नंबर पता चल जाएगा। तो इसी में सब में हम 0.6 का गुणा कर दें तो हमको नंबर पता चल जाएगा। ये कुछ ट्रिक्स हैं, इसमें 1.5 से गुणा कर देंगे तो हमको नंबर पता चल जाएगा, ये सब प्रतिशत में दिया हुआ। और ये 0.4 से गुणा कर देंगे तो हमको नंबर पता चल जाएगा। ठीक ऐसे हम क्या करेंगे, सभी का नंबर निकालने की ये ट्रिक। ठीक, अब देखो सभी विषयों में मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले। सी का नंबर निकालो, 75 प्लस 56 72 का डेढ़, 72 × 1.5 15 × 30 हासिल 3, 15 × 7 105 और 3 108 यानी कि 108 75 × 10.6 75 × 6 = 30 और 6 × 7 = 42 और 43 = 45 0.6 फिर 150 में 75 × 1.5 हो जाएगा 15 × 5 = 75 हासिल 7 15 × 5 = 105 और 112 और ये हो गया 8 × 32 = 5 2 × 2 = 4 4 × 5 9 9 × 8 = 17 17 × 6 23 × 5 23 × 5 28 × 8 हासिल 2 3 × 1 4 4 8 8 × 5 13 13 × 7 20 2 22 और 1 1 2 2 428.50 नंबर उसने कुल प्राप्त किया है। कुल कितने में से 100 100 200 200 और ये 3 हो गया 500 और ये हो गया 600 × 600 600 में 428.5 कुल कितने प्रतिशत उसको अंक प्राप्त हुए हुए हैं। 428/600 × 100% 6 से भाग दे दो 6 428.5 में 6 × 6 = 36 6 × 7 = 42 008 6 × 1 = 6 2 × 5 71 कुछ प्रतिशत उसको अंक प्राप्त हुए 71 कुछ प्रतिशत 71 का ऑप्शन ये। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और यहाँ हमको कैलकुलेशन से घबराना ही नहीं है, हमको उत्तर लाना है। क्या लाना है? उत्तर। और अगर कोई ट्रिक होगी तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला है बी के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त अंकों का योग। बी का अंग्रेजी और गणित, बी का अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त अंकों का योग, तथा बी का अंग्रेजी में 88 नंबर है और गणित में कितने हैं, 88 × 1.5 15 × 8 = 15 7 15 × 8 = 120 120 को 0 हासिल 12 15 × 8 = 120 और 12 × 132 132 नंबर 0 8 9 10 11 12 220 नंबर इसके कुल हो गए बी के अंग्रेजी और गणित में मिलाकर, तथा एफ के इन विषयों में प्राप्तांकों के योग में कितना अंतर है। अब ये बी का हो गया, एफ का जोड़ लो, एफ का इन विषयों में 85 और गणित में 74 × 1.5 15 × 30 = 60 हासिल 6 15 × 6 = 105 111 6 9 196 दोनों में अंतर कितना है, 220 × 196 = 24 कितने का अंतर है, 24 का। हमारा 24 उत्तर सही हो जाएगा। ई के भूगोल के प्राप्तांक, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़े थोड़े कठिन लगे हैं, लेकिन थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी पढ़ना हमको क्या करना है, जरूरी है।
थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी हमको पढ़ना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन है, ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितना प्रतिशत है। ई की बात करते हैं, ई का भूगोल का प्राप्तांक कितना है, ये सभी मिटाते हैं। ई का भूगोल का प्राप्तांक, ई का भूगोल का प्राप्तांक हो गया 75, 75% है 40 का, यानी 75.4, ठीक है, 4×5=20, 2×7=28, 2×3=30, कुल 30 नंबर। कितने नंबर पाए हैं भूगोल में, ई का भूगोल हो गया 30 नंबर। ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांक, हिंदी है 100 में 60, 100 में 60, यानी 60% यानी कि 60 ही हो गया, हिंदी के प्राप्तांकों का कितना प्रतिशत है। ये 30 जो है इस 60 का कितना प्रतिशत है, 50%। कितना प्रतिशत है, 50% हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न में तो कुछ करना ही नहीं था, बहुत ही आसान था। अगला है, डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है। डी को भूगोल डी का भूगोल 62% है, 40 का 62, तो 62 है 40 का, तो कुल प्रतिशत अंक कितने हो जाएंगे, 4×2=8, 24.8 नंबर हो गए। तो लिखा है डी का इतिहास तथा भूगोल, डी का इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है। इतिहास का डी का भूगोल पता है, डी का भूगोल हो गया 24.8 नंबर, और इतिहास कितना हो जाएगा डी का, इतिहास हो गया 80×6.48 नंबर, 48। डी का हिस्ट्री हो गया 48, जोड़ दो 8×4=12, ये 0.8 तो उतर जाएगा, 8×4=12, 4×2=6=7, 72.8 मिले अंकों का, मिलाकर मिले अंकों का कितना प्रतिशत है। अब इन दोनों का प्राप्तांक कितना है, इतिहास का 60 और ये हो गया 40, तो 100 में इसने दोनों का मिलाकर 72.8 अंक इसने प्राप्त किए हैं, तो कितने प्रतिशत हो गया, 72.8% हमारा उत्तर ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक, यानी विज्ञान में सभी का हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, सभी का अंक निकाल लो, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने छात्र हैं उससे भाग दो, सभी का अंक, और उसमें हम जितने स्टूडेंट हैं उससे भाग देंगे तो हमको औसत प्राप्तांक पता चलेगा। अब सभी का अंक निकालना सब मुश्किल है, तो देखो इसके लिए हम एक तरीका बताते हैं, एक तरीका है इसका, मैं अभी बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि कितना आसान है। देखो 150×82%, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनका मैंने बताया था कि डेढ़ गुना भी अगर कर देते हैं विज्ञान का, 1.5 से गुणा कर देंगे तब भी हमको नंबर पता चल जाएगा, तो कैसे करेंगे, 82×1.5 धन, ये नंबर इसका हो गया ए का, 85×1.5 धन, 72×1.5 धन, 80, 68, 90, 80×1.5 धन, 68×1.5 धन, 90×1.5, ठीक, ये हो जाएगा। अब अगर हम इसमें से 1.5 को कॉमन ले लें, तो 82 धन 85 धन 72 धन 80 धन 68 धन 90, ये सभी के अंक हो जाएंगे, और इसका औसत कैसे निकालेंगे, सभी के अंकों का योग हो जाएगा, और इसका औसत कैसे निकालेंगे, इसमें हम अगर 5 से भाग दे दें, किससे भाग दे देंगे, पहले सभी के अंकों का योग निकालो, सभी के अंकों का योग 1.5×1.5
यहाँ पर हम आसानी से जोड़ लेते हैं, 5 2 7, इन्हीं को तो जोड़ना है, 5 2 7, 7 2 9, 9 8 17, 17 को 7, 17 को 7 हासिल 1, और 8 8 16, 16 और 7 23, 23 8 31, 31 6 37, और 37 9 46, और 1 47, 477 गुणे 1.5, गुणे 1.5, ठीक है, 477 गुणे 1.5, ठीक है। अब ये कुल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कुल, और हमको क्या निकालना है, ये कुल अंक हो गए, और हमको क्या निकालना है, औसत, तो कुल अंक बटे अंक विद्यार्थियों की संख्या, यही तो हो जाएगी है, की संख्या हमारी औसत हो जाएगी, तो कुल अंक गुणे बटे विद्यार्थियों की संख्या, तो हमारे कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, हम इसमें अगर 6 से भाग दे देंगे तो हमको हमारा औसत पता चल जाएगा, 3 से काट दो, ये हो गया 0.5, 3 2 6, इसको फिर से काट दो, ये हो गया 0.25। अब अगर हम इसमें 0.25 से गुणा कर देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा, तो 477 गुणे 0.25, मैं इसको भी ट्रिक से लगा देता हूँ, 477 गुणे 0.25 गुणे 4/4, यानी कि 4 7 7, में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, तो 4 1 4, 0 7, 4 1 4, 3 7, 4 9 36, 119 के आस, 36 1.25, 119.25 हमारा उत्तर आएगा, तो इनमें से कोई नहीं हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपके समझ में आए होंगे, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस सीरीज़ में सभी क्वेश्चंस को आप जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर, जिससे कि एग्ज़ाम में आप सभी क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाएँ, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।